सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोग बिजली का बिल नहीं भरते, अब ये बिल करोड़ों में पहुंच गए हैं। जिन जिले पर सबसे ज्यादा बिजली का बिल बकाया है, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जिन जिले पर एक दो नहीं बल्कि 1300 करोड़ का बिजली बिल बकाया है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिल की राशि इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई और लोग क्यों बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे। जब इसकी पड़ताल में एमएचवन न्यूज देखी तो कई ऐसी जानकारियां सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली थी। बिजली विभाग को लगा 1300 करोड़ का करंट, जिन जिले पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया, बिजली बिलों पर 1992 से लेकर चल रहा है घमासान। बिजली बिलों को लेकर कई लोगों की जा चुकी है जान। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN को हर साल करोड़ों का घाटा हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग बिजली का बिल नहीं भरते हैं। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जिन पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया है, लेकिन बिजली विभाग को बिल जमा नहीं करवाने वालों की सूची में जिन जिला सबसे बड़ा डिफॉल्टर बनकर सामने आ रहा है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिन पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का 1300 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है, जिले पर 1992 से लेकर अब तक 1300 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। बिजली के बिलों को लेकर ही 2001 में जींद के कंडेला में कांड हो चुका है, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। 1992 से लेकर सरकारें तो कई आईं और गईं भी, लेकिन समस्या वैसी की वैसी ही खड़ी है। बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर SK सिंह का कहना है कि लोगों ने काफी वक्त से बिजली के बिल भरने बंद कर दिए हैं, जिसके चलते ये राशि इतनी बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता ने कई सरकारों की योजनाओं के फायदे नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि जींद की जनता अब जगमग योजना का फायदा उठाकर इस समस्या से निजात पा सकती है। जींद जिले की जो बात करें तो करीब हमारे 1300 करोड़ के अमाउंट पेंडिंग है, जिसमें 1200 करोड़ तो सिर्फ रूरल डोमेस्टिक के ही है, अर्बन में काफ़ी कम है, दूसरे कैटेगरी में AP में भी बहुत ही कम है डिफॉल्टिंग अमाउंट, साथ साथ जो है इंडस्ट्री वगैरह में तो मिल के बराबर है, लेकिन सिर्फ जो है यहाँ रूरल डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा डिफॉल्टिंग। रीजन्स देखें कि मैं जहाँ तक ही सोचता हूँ कि रीजन्स तो मेनली जो है गाँव के लोगों ने कुछ दिन यानी कई सालों से बिल भरने बंद कर दिए, चाहे जिस वजह से भी बंद किए होंगे, तो ये मैं सोचता हूँ कि 92 के बाद से ही इन्होंने 1992 के बाद से ही स्टॉप किया है बिल भरना। बाकी जो है पीछे कई स्कीमें आई थी, 2-3 स्कीमें आई थी जो गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, वेवर स्कीम, लेकिन उसमें भी कोई बहुत ही ज़्यादा इंकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं मिला। 2001 में हुए कंडेला कांड आंदोलन में सक्रिय रहे रामपाल कंडेला ने कहा कि तब से लेकर अब तक सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी भी सरकार ने उनका भला नहीं किया। उन्होंने कहा हर मुख्यमंत्री के राज में बिजली बिलों को लेकर हत्याएं हुई, सबने पिस्तौल के दम पर बिल भरवाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि 1981 से लेकर अब तक 35 लोग बिजली को लेकर मारे जा चुके हैं, जिसमें कंडेला कांड सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। कंडेला कांड के अंदर बिजली सप्लाई नहीं दे रही थी सरकार, क्योंकि सरकार ने बिजली के ट्रांसफार्मर और लाइन रोकनी शुरू कर दी। अब लोग बिल नहीं देने लग रहे। बिल लेने का ये तरीका नहीं होता, अब तो किसी को जो नहीं अपना पिस्तौल छाती पर करके उसके वसूली कर लेंगे। कितने लोग मारे गए? नौ लोग मारे गए और टोटल हरियाणा में 35 लोग मारे गए बिजली पर, सिर्फ इस सप्लाई के वजह से। कंडेला कांड ये था, कंडेला कांड में सरकार ने बिजली के बिल ना देने की वजह से उनकी जो है लाइन फीडरों को बंद कर दिया, और बंद होने के बाद में जब सरकार से हम कहने लगे भाई हमारे फीडर चलाए जाए और हमारे को ट्रांसफार्मर दिए जाएं, उसके एवेज में सरकार ने ये सख्ताई करने की कोशिश की और लोगों में उसका बहुत ज्यादा रोष हो गया। वहीं रामपाल कंडेला ने कहा कि अगर सरकार गंभीरता से बात करे तो जींद की जनता बिजली के बकाया बिल को भरने के लिए तैयार है, लेकिन जो ब्याज और सरचार्ज लगाकर राशि को इतना बढ़ा दिया गया है उसे खत्म कर बात की जाए तो ये समस्या खत्म हो सकती है। उन्होंने माना कि गांवों में लोग 40% के आसपास
कुंडी कनेक्शन लगाकर अपना काम चला रहे हैं, जबकि कुछ बिल ही नहीं भरते। देखिए 1992 के अंदर गवर्नमेंट ने हमारा को बिजली नाम मात्र की देनी शुरू कर दी। जब खेती के लिए फ्लैट रेट का शुरू हुआ उस टाइम पर 18 घंटे बिजली चाहिए थी और उन्होंने मंजूर की थी 18 घंटे, हमारे को 3 घंटे और 4 घंटे सप्लाई देने लगे। उसके एवेज में हमने कहा भाई हमारे को पूरी बिजली दो, नहीं हम आपको बिल नहीं देते। वो बात चलते चलते अब तक आ गई। हमने बीच में 5 बार सरकार के साथ में समझौते भी किए और उस समझौतों को सरकार ने ही सिरे नहीं चढ़ाया, क्योंकि सरकार का जो अकाउंट ब्रांच है वो ही गलत है और वो बीच के अंदर जो दखलंदाजी दे करके लोगों के साथ में गलत कार्यक्रम शुरू कर देता है। तो लोग उस बात से मतलब दुखी होकर के ये सोच लेते हैं अगर हज मिलने में ना पड़ो, जैसे होगा तब देखा जाएगा, उसका कारण है ये। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का जो रेट है उस रेट के ऊपर जो सरचार्ज लगता है वो सरचार्ज 27 महीने में दुगुना हो जाता है। तो 92 शरीफ लग का जो ये 1300 करोड़ रुपए का जो पैसा दिखाने लग रहा है, आप ये समझ लीजिए 8 और 18 26 साल, 26 साल का मतलब अगर 2.5 साल में उसमें आप लगाते हैं दुगुना हुआ है, तो भी वो पैसा जो शुरू वाला था है वो 5-6 गुना तो ऑटोमेटिकली मतलब 500-700 गुना तो वैसे बन गया। इस वास्ते हमने सरकार से भी रिक्वेस्ट की, राजनेताओं ने अपने राजनीतिक का नाम बहाना बना करके हमारे साथ में ये बार्गेनिंग की है अगर भाई हम आओगे तो यू कर देंगे यू कर देंगे। जिन लोगों ने कनेक्शन नहीं ले रखे थे उन लोगों ने कुंडी कनेक्शन लाने शुरू कर दिए, गवर्नमेंट का और ज्यादा घाटा शुरू हो गया। वहीं बिजली बिलों को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों के सांसद विधायक जिला अध्यक्ष सबके गांवों पर भारी भरकम बिल बकाया है, कई माननीयों के खुद के गांव पर बिजली का बिल बकाया है, लेकिन कोई भी बिल जमा नहीं करना चाहता। ऐसे में बिजली विभाग को घाटा होगा और बिल की राशि भी बढ़ती जाएगी। रोहताज भोला, MH1 न्यूज, जींद।